सिक्स सर्विस में क्या क्या होगा? सिक्स सर्विस में हमारा जो है आपका जो ऑयल, तो चैन मध्य डस्ट की निकाले तुम्हें बगू शकता पूर्ण। अच्छा ब्रेक पॅड आपण टाकणार होतो पण अजूनपर्यंत एक सर्विस अजून जाईल, किती आहेत बघू शकता। घेतला आहे AMC घेतला आहे, त्याचे कॉस्ट होते 1800 रुपये कंझ्युमेबल आणि कंझ्युमेबल मे बी 112 रुपये। आणि तुमचं परत एकदा माझ्या नवीन एका अशा व्हिडिओमध्ये। तर आज आपली एक्सपल्सची सर्विस करायची आहे, पेड सर्विस चालू झाली आता, तर जाऊया सर्विस सेंटरला। दुपारचे वाजत आल्यात ऑलमोस्ट, 1:12 ची अपॉइंटमेंट होती आपली बघू शकता, 1 वाजत आल्यात 12 ची अपॉइंटमेंट होती। तर 12 वाजता आपण तर काय पोचत नाही, थोडंसं आपल्याला घरातून निघता निघता तर लेट होऊनच जातं, नेहमीचं झालं आता आपलं। हां पण राईडला जाताना आपण लवकर नक्की उठतो, थोडं साफ वगैरे करू, कारण का गाडी पूर्ण घाण आहे, मग निघू। मेन अलर्ट भाई साहब, दुपारच्या गर्मी एवढी लागते ना, तर दुपारी तर तुम्ही निघत असाल कुठेही जायला तर दुपारचं निघत जाऊ नका, भरपूर गर्मी आणि हीट मारते, पूर्ण हीट मारते। सनस्क्रीन लावा, काही लावा, टॅन तर तुम्ही होणारच। बघूया गाडीचे आपले किलोमीटर झाले आहेत 8970 आणि आपण 6व्या सर्विस पेड सर्विसला चाललो आहे। त्याच्या आधी आपलं एक छोटंसं काम आहे बँकेमध्ये, तर बँकेत जाऊ, त्याच्यानंतर मग आपण सर्विस सेंटरला जाऊ। सर्विस सेंटरला आता अपॉइंटमेंटच्या नंतर चाललं तर 2 तास 3 तास तर कुठे नाही जाणार, कारण आता वॉशिंग सेंटर पण बाहेर आहे, वॉशिंग सेंटर बाहेर असल्यामुळे टाईम तर आपल्याला जाणारच आहे। तर चला जाऊयात। तर बँकेचं काम तर आपलं झालं आहे, पण वाजले आहेत आता 1:30 वाजून गेले आहेत, तर बँकेच्या कामामध्ये आपला टाईम लागला। आता डायरेक्ट इथून जाऊया सर्विस सेंटरला, सर्विस सेंटरला पण मे बी लंच ब्रेक झाला असेल, तर बघू कसं काय। A few moments later तर बाईक आपली इथे आली आहे, सागर ऑटोमेक, बघू शकता सर्विस सेंटरला पोहोचलो। और अभी क्या होगा फिफ्थ सिक्स सर्विस में, क्या क्या होगा सिक्स सर्विस में? हमारा जो है आपका जो ऑयल जो है एकदम क्लियर है अभी, क्योंकि इससे पहले आपने सब ऑयल अपना करा के गया, सर्विसिंग फिफ्थ में करा के गया, और ज़्यादा आपने किलोमीटर भी चेंज भी नहीं की, ज़्यादा चलाया नहीं है गाड़ी, जिसकी वजह से आपका ऑयल का जो कह रहे क्लियरिटी जो क्वालिटी है वो अभी भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में आपके इधर सिर्फ हमारे इधर जो रहेगा, आपने जो AMC लिया है, AMC में क्या क्या कवर होता है बेसिकली? AMC में जो रहता है आपका टोटल गाड़ी का जो भी है, जैसे आपका क्लीनिंग होएगा, चैन क्लीनर होएगा, उसके बाद में फॉग एलिमेंट का चेकिंग होएगा, उसके अंदर स्पार्क प्लग क्लीन होएगा, एयर फिल्टर क्लीन होएगा, उसके बाद में आपका गाड़ी का लेवल जो चेक किया जाएगा, क्या इसके स्टेयरिंग में क्या कुछ है तो नहीं, प्ले तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, यह सब चीज़ें। उसके बाद में आपका जो भी आगे का जो भी है, जैसे ब्रेक पैड है, आपका ब्रेक पैड पूरा घस गया है, तो ब्रेक पैड को हम लोग उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा आगे लेके नहीं, बट वो AMC में क्यों कवर अप नहीं होगा ना? AMC में कवर अप नहीं होता वो, AMC के अंदर सिर्फ हमारा जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो आपको जो हर 6,000 या 3,000 किलोमीटर पे आपको करना पड़ता है। तो बेसिकली AMC में 4 सर्विस फ्री में हो जाए, फ्री हो, तो AMC का चार्ज है 1800। और ये CC कंज्यूमेबल है, जो आपका गाड़ी पॉलिश होता है, वॉशिंग होता है, ये जो भी है वो कंज्यूमेबल में आता है। और जो चैन क्लीनर है, तो आपका चैन जैसे डस्ट डस्टिंग हो जाता है या रस्ट पकड़ लेता है, तो उसमें आपका चैन पूरा क्लीन होता है, और चैन लूबिंग भी होता है, बाकी आपका ऑलरेडी आपके पास चैन लूबिंग है सर, तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। और ब्रेक पैड तो आपका तो ऑलरेडी माइनस हो, क्यों ब्रेक पैड अगर माइनस हो जाएगा तो उससे एक तकलीफ और है कस्टमर को, कि ब्रेक पैड अगर घस जाता है, अगर उसकी प्लेट अगर माइनस हो जाता है, तो उसकी प्लेट और अपना डिस्क प्लेट की प्लेट घसना चालू हो जाती है, जिससे ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम हो जाएगा, और उससे एक्सीडेंट होने का भी डर होता है। तो इसके लिए ब्रेक पैड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई भी कस्टमर हो एक्सपर्ट्स का, उसको ये होना चाहिए कि ब्रेक पैड टाइम टू टाइम चेक करे, और टाइम टू टाइम सर्विस सेंटर में आके उसको बताए कि उसका कितना थिकनेस है, कितना क्या है, वो हम लोग चेक करेंगे और कस्टमर को बताएंगे कब कब चेक करना है, कैसा करना है, ब्रेक ऑयल कब चेक करना है, वो भी हम बताएंगे कस्टमर को, कि उनको उनको भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी ऑफ रोडिंग या कहीं जाता है तो उसको पता रहना चाहिए कि मेरा कितने किलोमीटर पर ब्रेक पैड सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब उनको पता चलना चाहिए, ऑयल लेवल कितना रहना चाहिए वो भी हम कस्टमर को बताएंगे, ठीक है। इसको पता रहना चाहिए कि मेरा ब्रेक ऑयल का टॉपअप कितना लेवल रहना चाहिए, लोअर कितना रहना चाहिए और अपर कितना रहना चाहिए, और एयर अगर आप ज़्यादा लोअर के अंदर अगर ब्रेकिंग करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपका ब्रेक लॉक हो सकता है,
अगर एयर अगर पकड़ लिया अगर तो कुछ भी होगा तो उसमें आपका ब्रेकिंग पकड़ सकता है। ये चीज़ का मेन प्रॉब्लम है एक्सपल्स में, ये ज़रूरी है क्योंकि ऑफ रोडिंग चलाते हैं या रैली में चलाते तो ये सब में पहले ब्रेकिंग सिस्टम पे पहला ध्यान देना चाहिए। ओके हाँ। आज मेरी गाड़ी जल्दी मिलेगी ना मुझे सर्विस होके? हाँ तो आज तो जल्दी मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप तो आते रहे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो है वो हम लोग क्लियर करके देंगे। ठीक है। और सागर जी यहाँ पे ओनर भी है मौजूद, कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह मिलेगा कि नहीं मेरे व्यूअर्स के लिए? आपके व्यूअर्स के लिए कर देंगे 10% off न्यू ऑन ये लेबर पे 10% सूट भेटेल तुम्हाला। जर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर सागर ऑटोमेक, डिस्क्रिप्शन मध्ये मी तुम्हाला नंबर पण देईन आणि इकडचा ऍड्रेसची लिंक पण देईन। तर चला आता बाईक रॅम्पवर चढेल तेव्हा आपण बघू। आपली रुद्रा तिथे उभी आहे। तर आतमध्ये रॅम बिझी असल्यामुळे चैन क्लीनर आपण इथेच मारतोय। रॅम थोड्या वेळाने 10-15 मिनिटांनी खाली होईल, तोपर्यंत चैन क्लीनर मारून पूर्ण चैन आपण क्लीन करून घेतोय। कारण का भरपूर दिवस झाले होते सर्व्हिसमध्ये आपण चैन क्लीन नव्हती केली, आणि बाजूला आपल्या बिल्ड जिथे पार्क होते गाडी तिथे कन्स्ट्रक्शनचं पण काम चालू आहे, पूर्ण धुवे येते, आपण चैन क्लीन करून घेऊ पूर्ण। तर चैनमध्ये डस्ट किती निघाले तुम्ही बघू शकता, पूर्ण इथे अशी डस्ट। याच्या अंदर अजून प्रेशर वॉश वगैरे होईल तेव्हा अजून जास्त डस्ट निघेल। तर बाईक इथे रॅम्पवरती चढली आहे तुम्ही बघू शकता, काम आपल्या बाईकचं रुद्राचं काम आपलं चालू झालं आहे। रुद्र आत्मातून जास्त घाण झाली आहे तर एकदा क्लीन वगैरे व्यवस्थित करून घेऊया। चैन क्लीन तर मगाशी तुम्ही बघितलं आपण मारलं, त्याच्यानंतर चैन्स पॉकेट तर पूर्ण क्लीन तर झाला, परत एकदा वॉशमध्ये पूर्ण क्लीन होऊन जाईल। आपण सध्या धुतली तर नव्हतीच तिला, भरपूर दिवस झाले, घाण वगैरे बघू शकता तुम्ही, डस्ट पार्टिकल भरपूर आहेत। चेंज करना है फिल्टर, करना पड़ेगा फिल्टर, फिर इसमें पूरा डस्ट बैठ गया और ऑयल के साथ बैठ गया। चलेगा ठीक है, एयर फिल्टर एक चेंज कर देना। एयर फिल्टर आपला 6 सर्विस मध्ये एक चेंज होता है, डस्ट बघू शकता पूर्ण गेला तर जमा है। तर एयर फिल्टर ची कॉस्ट है 219 रुपये आणि हा आपला नवीन एयर फिल्टर। ये ऑयल चढ़ता है रिटर्न हीटिंग की वजह से, तो ये फिल्टर को ऑयल अगर एक बार अगर फिल्टर के ऊपर जाके बैठ गया तो फिर वो डस्ट के ऊपर चिपक जाता है, तो ये फिल्टर फिर चेंज करना पड़ता है क्योंकि डस्ट निकलता नहीं हो, क्लीन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है। तो अभी ये पूरा प्रॉपर क्लीन होके वगैरह फिर क्लीन करके फिर उसको हम वापस फिट करेंगे। अगर ये डाउन होता है तब प्रॉब्लम होगा आपको, तब फिर टॉप अप। हाँ अभी ठीक है, अभी ओके, लेवल ओके है। इसका भी कितना लाइफ बचा है, तो माइनस हो गया ये वन साइड है ना। हाँ पीछे का आपका ये जो है ये चीज पिस्टन की जगह का वो थोड़ा माइनस हो रहा है आपका, ये प्रॉपर अभी मतलब चल जाएगा थोड़ा एक सर्विस चल जाएगा, एक सर्विस चल जाएगा आपका, बाकी ओके मतलब इतना घसा नहीं है। सही है मतलब एक सर्विस तक का आप आ सकते हो, फिर इसमें चेंज कर देना नेक्स्ट टाइम जब ये ऑयल चेंज के लिए आऊंगा तभी करेंगे, तभी चेंज। अभी सिर्फ मैं अभी इसमें ग्रीसिंग कर दूंगा। हां हां इसके अंदर कैलिपर के अंदर जो आपका पकड़ रहा है ना उससे भी होता है, ये देखिए ड्राई हो गया है पूरा, सूख गया बराबर, तो इसमें भी मैं आपका ग्रीसिंग कर दूंगा ये पिन में, इसमें कैलिपर के अंदर प्रॉपर वर्किंग। हाँ प्रॉपर वर्किंग करेगा फिर आगे पीछे, पूरा सूख गया ग्रीस अंदर का, पूरा सूख गया है, पूरा सूख गया है, इसके वजह से वो इशू आ रहा था क्या? इशू हो रहा है, पूरा कड़क हो गया ग्रीस। ब्रेक पॅड आपण टाकणार होतो पण अजूनपर्यंत एक सर्विस अजून जाईल,
किती आहेत बघू शकता तुम्ही. एक सर्विस अजून चालू, नेक्स्ट सर्विसला पण पुढच्या आणि पाठच्या दोन्ही ब्रेक पॅड आपण चेंज करून घेऊ. फायनली रुद्राची सर्विस वगैरे झाली आहे आणि गाडी एकदम धुवून वगैरे रेडी आहे, चेन सेटिंग वगैरे झाली आहे. ल्यूब आपण घरी जाऊन करणार आहोत. कॉस्टिंग वगैरे काय आली जाऊन आता बिल पे करू आणि नंतर तुम्हाला सांगू. तर गाडी बघू शकता, तर राईट साईडला सनसेट असा मस्त होतो बघू शकता तुम्ही. आणि आता गाडीची सर्व्हिसिंग झाली आहे. एम सी घेतला आहे त्याचे कॉस्ट होते 1800 रुपये कंझ्युमेबल, आणि कंझ्युमेबल मे बी 112 रुपये आणि 190 असं काहीतरी क्लीन चैन क्लीनरचे असे काहीतरी होते. चैन क्लीन केले त्याचे आणि चैन क्लीन गरजेचंच होतं. तर टोटल अशी कॉस्ट झाली आहे 2072, त्याच्यामध्ये तर AMCचंच जास्त होते 1800. तर नेक्स्ट टाईम आपण येणार आहोत सर्व्हिसिंगला, 7 सर्व्हिसला, तेव्हा जास्त खर्च होईल आपला. तेव्हा आपले ऑलमोस्ट जातील 1200 रुपयाचं ब्रेक पॅड, 1200 पण नका 1400 रुपयाचं पाठचा ब्रेक पॅड, त्याच्यानंतर पुढचं 750, ऑईल असेल 1200. ऑलमोस्ट तिकडे आहे 3500-4000 खर्च द्याड आम्हाला आहे. आणि पाठचा आपला ब्रेक स्विच गेला आहे, त्याचा पण आपल्याला पे करायचं, नवीन ब्रेक स्विच टाकायचं आहे. पुढच्या ब्रेकवरती आपला इंडिकेटर चालत आहे, पाठच्या ब्रेकवरती नाही चालत आहे. त्याचा सर्व्हिसचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि यूट्यूबच्या चॅनलला आपल्याला ग्रो करायचं, आपल्या फॅमिलीला मोठं करायचं आहे. रुद्राच्या सर्व्हिसिंगचा कॉस्ट मी तुम्हाला सांगितलाच, तर चॅनलला लाईक करून शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा माझ्या यूट्यूब चॅनलला. थँक्यू फॉर द मेकिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द डे. आय सी यू सी नेक्स्ट व्हिडिओ. टेक केअर, बाय बाय, राम राम. आणि जर शिमग्याचे ब्लॉग बघितले नसतील तर ब्लॉग नक्की जाऊन बघा आणि त्या व्हिडिओंना नक्की लाईक करा. चला तर मग भेटू तुम्हाला.